नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीटेक कोर्स में जो जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और उसका कंपैरिजन में एमसीए से करने वाला हूँ, और एमसीए का सब्जेक्ट मैं बीटेक से करने वाला हूँ। क्योंकि कंप्यूटर फील्ड में अगर आप जाते हैं तो एमसीए में क्या पढ़ाया जाता है और बीटेक में क्या पढ़ाया जाता है, इसका मैं आज कंपैरिजन करने वाला हूँ। और एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप IIT या फिर NITs में पढ़ते हैं तो जो कोर्स होता है वो कोर्स हमेशा वो फ्लेक्सिबल होता है, वो कभी भी चेंज हो सकता है। क्योंकि IIT और NIT का यही एक एम होता है कि मार्केट में जो चल रहा है, जो इंडस्ट्री में जो चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट हम चेंज कर सकते हैं। तो इसी के लिए अगर आप ये सोचते हैं कि अगर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वो IIT में या फिर NITs में आकर के चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, तो चलिए मैं कोर्स कंपैरिजन करके आपको मैं बता देना चाहता हूँ। तो बीटेक वर्सेस एमसीए कोर्स कंपैरिजन में मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं और अगर आप IIT NIT में अगर हैं तो फर्स्ट ईयर जो होता है उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, नॉर्मल चीज़ें जितने भी होती हैं वो आपको स्टडी कराया जाता है। जैसे ही आप सेकंड ईयर में जाते हैं यानी कि थर्ड सेमेस्टर में, तो वहाँ से आपकी पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में बीटेक जो स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना पड़ता है, मैनेजमेंट ऑफ IT इंडस्ट्रीज़ पढ़नी पड़ती है, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना पड़ता है यानी कि हार्डवेयर का पार्ट पढ़ना पड़ता है, फाउंडेशन ऑफ लॉजिक थॉट्स मतलब कि किस तरीके से आप लॉजिक डेवलप करेंगे किसी कंप्यूटर को समझाने के लिए, उसके बाद में टेक्निकल राइटिंग का मतलब ये होता है कि जो भी आप पब्लिकेशन देखते हैं, जो भी आर्टिकल लिख सकते हैं, जो भी रिसर्च पेपर, उसको किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, उसमें किस तरीके का वर्ड का किस तरीके का इंग्लिश यूज होता है वो आपको टेक्निकल राइटिंग में समझाया जाता है। प्रोग्रामिंग टूल्स में शेल लैब कराया जाता है, क्योंकि जितने भी IITs और NIT होते हैं वो पूरे के पूरे आपको लिनक्स पे ही प्रोग्रामिंग सिखाते हैं। चाहे आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आपको लिनक्स आना ही चाहिए। उसके बाद में डाटा स्ट्रक्चर्स, उसके बाद में एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वे जो सेकंड ईयर में जाते हैं, अब ये इतना जो चीज़ है वो हमें फर्स्ट सेमेस्टर से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। और अब ये देखिए, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट मींस C, C++, जावा, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, फिर उसका आपका लैब हो जाता है, उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ IT इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट हो जाता है। जो बीटेक वाले सेकंड ईयर में पढ़ते हैं वो हम पहले ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में ही स्टडी कर लेते हैं। डिजिटल एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस, डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का लैब, फाउंडेशन ऑफ लॉजिक एंड शेल प्रोग्रामिंग, अभी दोनों में सेम चल रहा है, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर में जैसे ही बीटेक जाते हैं बीटेक स्टूडेंट, उसके बाद में वो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, ग्राफ थ्योरी एंड कॉम्बिनेटरिक्स यानी दैट इज ऑटोमेटा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोमेटा थियरी, कम्युनिकेशन फाउंडेशन इन द सेंस, आपको जैसे ही आप जाते हैं बीटेक के थ्रू तो उसमें आप लोगों को एक इंग्लिश का भी कोर्स होता है जिसमें आपका स्पोकन इंग्लिश और बात करने का जो तरीका है वो आपका सुधर सके। उसके बाद में आपको केस स्टडी पढ़ाया जाता है, प्रोग्रामिंग टूल से स्टडी करवाया जाता है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, कम्युनिकेशन फाउंडेशन का लैब, ऑटोमेटा एंड कंपाइलर का लैब भी होता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये फोर्थ सेमेस्टर में वो लोग पढ़ते हैं और हम लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं डाटा स्ट्रक्चर का लैब, ग्राफ थियरी यानी दैट इज़ ऑटोमेटा, XML मतलब कि HTML का एक एक्सटेंडेड वर्जन है जिसके थ्रू आप HTML के जो एलिमेंट होते हैं, जो टैग होते हैं, उसको आप डिफाइन करते हैं, ऑटोमेटा थियरी, टेक्निकल राइटिंग हम लोगों को भी पढ़ना पड़ता है, और कर्नेल प्रोग्रामिंग लैब, कर्नेल मतलब कि किस तरीके से होता है, ठीक है। कर्नेल प्रोग्रामिंग लैब मतलब कि कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन ले लीजिए, कोई भी लैपटॉप ले लीजिए,
वो कर्नल प्रोग्रामिंग पर ही ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद में बीटेक जब फोर्थ सेमेस्टर में जाते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं, जबकि हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बहुत पहले ही फर्स्ट सेमेस्टर में डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में ही स्टडी कर लिए होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स वो लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग उसे थर्ड सेमेस्टर से ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे देखिए। और उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, पूरा का पूरा फिफ्थ सेमेस्टर हम भी अपना स्टडी कर लेते हैं आपके थर्ड सेमेस्टर में जाते जाते। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग, ऑपरेशनल रिसर्च, क्रिप्टोग्राफ, प्रोग्रामिंग टूल, माइक्रो प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है जी। और उसके बाद में हम भी यहाँ पे अपना स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपका सिक्स सेमेस्टर में एम्बेडेड साइंटिफिक कंप्यूटर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डाटाबेस मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मिनी प्रोजेक्ट, ये दिया जाता है। उसके बाद में हम फोर्थ सेमेस्टर में MCA के स्टूडेंट जो होते हैं वो कंप्यूटर ग्राफिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मिनी प्रोजेक्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल एल्गोरिदम्स और प्रोफेशनल इलेक्टिव, इसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कुछ ले सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, सेवन्थ सेमेस्टर में जब बीटेक का एक स्टूडेंट जाता है तो वो उन लोगों का भी एक ओपन इलेक्टिव होता है जिसमें से वो अपने मन चाहे कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, उनका भी प्रोजेक्ट होता है और पूरा का पूरा ये उनका चलता है। उसके बाद 8 सेमेस्टर के साथ साथ ये बीटेक का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में 6 सेमेस्टर में हम लोग मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज पढ़ते हैं, ई कॉमर्स पढ़ते हैं। उसके बाद में 6 सेमेस्टर में आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो जाता है। अब मैं बताता हूँ बीटेक वर्सेस MCA का फ़ायदा क्या है। तो देखिए, बीटेक में आपको सॉफ्टवेयर के साथ साथ में आपको हार्डवेयर का भी टूल्स पढ़ाया जाता है, लेकिन MCA के कोर्स में आपको वो ऐसा पढ़ाया जाता है जो कि मार्केट में करंट डिमांड चल रहा है। बीटेक में आप लोगों को मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ता है, लेकिन MCA में आप लोगों को एट द बिगनिंग जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है आपको वही चीज़ सिखाया जाता है, क्योंकि बीटेक वाले हार्डवेयर के भी बारे में पढ़ करके सॉफ्टवेयर फील्ड में आखिर अंत में कोडिंग ही करते हैं, और MCA वाले उनका कोर्स ऐसे ही बनाया जाता है कि वो कोडिंग ही करते हैं, क्योंकि भारत में आज भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बहुत ही कम रिसर्च होता है, और आप जानते हैं कि विदाउट इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो इस तरीके से जब इसमें रिसर्च कम होता है, उतनी अच्छी इक्विपमेंट भी नहीं है हम लोगों के पास में, तो बीटेक वाले भी अंत में जाकर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनते हैं, चाहे वो हार्डवेयर पढ़े होते हैं चाहे कुछ। और MCA वाले डायरेक्ट वो मार्केट की जो डिमांड चल रही होती है उसी के अकॉर्डिंग वो पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि हार्डवेयर में आप करिए या फिर मत करिए आपको उतना कंपनी नहीं, लेकिन अगर आपको कोडिंग आता है, क्योंकि कोडिंग करने अपने आप में एक चैलेंज होता है, क्योंकि बहुत ही कम लोग मिलते हैं जिनमें कोडिंग की स्किल अच्छी होती है, प्लस में कोडिंग कोई करना भी नहीं चाहता, क्योंकि घंटों लैपटॉप पे बैठ करके दिमाग लगा करके सेहत भी कभी कभी ख़राब हो जाती है, आँख भी ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर कोडिंग अगर आपकी स्किल अच्छा है, और एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, कोडिंग करने से आँख ख़राब नहीं होता, ये बहुत सारे लोगों ने वहम फैला करके रखा हुआ है, एक्सेस करेंगे तो ख़राब हो ही जाएगा। तो मैंने दोनों का कंपैरिजन कर दिया, तो अब मैं बोलूँगा कि दोनों में से बेस्ट कौन है। दोनों में से बेस्ट मैं बोलूँगा इसको, बीटेक वाले को। क्यों? क्योंकि MCA का जो कोर्स है वो आपके इंडियन ओरिजिन का क्षेत्र में ही आता है। अगर ये आप सोचेंगे कि ये अमेरिका में आपको मिल जाए, तो ये अमेरिका में आपको नहीं मिलने वाला। अमेरिका में MCA के कोर्स की तरीके का कुछ नहीं होता, लेकिन बीटेक का जो कोर्स है वो आपके अमेरिका के सिस्टम से इक्विवेलेंट होता है। तो बहुत ज़्यादा जो कंपनियाँ होती हैं वो आपके बीटेक वाले स्टूडेंट को ज़्यादा प्रेफर करती हैं MCA से, बिकॉज अगर आगे चल करके बीटेक वाले अमेरिका या फिर जर्मनी या फिर कहीं भी पोस्ट होते हैं IIT या फिर IIT से निकलने के बाद में, तो वहाँ के डिग्री से और इस डिग्री से कंपैरिजन किया जाता है, और पूरा का पूरा ये ध्यान रखा जाता है कि दोनों में, मतलब कि इस तरीके से बैलेंस हो जाए कि दोनों का क्रेडिट आपस में मिल जाए। इस तरीके से कोर्स IIT और NIT का डिज़ाइन होता है, जो कि आगे चल करके दोनों तरीके से आपका काम है। और MCA का जो कोर्स है इसको भी आप कम मत समझिए,
इसमें भी टाइम टू टाइम आपका चेंज होता रहता है, लेकिन ये MCA का जो कोर्स है बाहर क्या हो रहा है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वो डायरेक्ट आपको सिखा देता है जो आपकी रिक्वायरमेंट करेंटली है। और BTech में आपको 4 साल का कोर्स होता है या 3 साल का कोर्स होता है। MCA वालों को ज़्यादा एप्लीकेशंस पे काम करना होता है, क्योंकि नाम से ही आप जानते हैं मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मतलब कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में बनाने के लिए आप इतने मास्टर हो जाइए कि आप कोई भी कंप्यूटर एप्लीकेशन बना दीजिए। क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम तो बनाया गया एक बार, लेकिन अगर बहुत सारे यूज़र की रिक्वायरमेंट हो तो किस तरीके से आप उसको कर पाएंगे, किस तरीके से। और एप्लीकेशन का ही आज के दौर में एप्लीकेशन का ही मेन है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल ने एक बार बना दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से पैसा कमाता है कि एप्लीकेशन से? तो एप्लीकेशन से ज़्यादा पैसा कमाता है। तो अब आप सोचिए कि MCA में ज़्यादा पैसा है या फिर BTech में? इस चीज़ को मुझे आप कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है? मुझे आप कमेंट कीजिए कि दोनों में आप क्या सोचते हैं। कोर्स कंपेरिजन मैंने कर दिया, इसमें आपको टोटल का टोटल जो टाइम है वो 4 साल लग जाता है और इसमें आपका 3 साल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये आपका इंडियन ओरिजिन आता है और ये जो है वो आपके यूनिवर्सल ओरिजिन पे आता है। BTech के क्रेडिट से आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी जॉब लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन MCA से अगर आप कहीं जाएंगे तो आपके कोर्स को देखा जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है? और MCA का जो ओरिजिन है वो 1980 के आसपास में आया हुआ था, बिकॉज़ क्योंकि गवर्नमेंट में इसको इसलिए बनाया ताकि उस समय 1980 के आसपास में इंडियन IT सेक्टर्स में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि जो ट्रेडिशनल सिस्टम चली आ रही थी कॉपी पे लिख करके हर चीज़ मैनेज करना, उस चीज़ को हटाने के लिए एप्लीकेशन को डेवलप करना था। तो एप्लीकेशन को डेवलप कराने के लिए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आया, उसमें उस समय BA BSc के लोग भी डायरेक्ट इंट्री करके अपना कोडिंग स्किल्स इम्प्रूव करके देश में उसमें कंट्रीब्यूट करते थे। तो आप ये मत समझिए कि आप MCA में स्कोप ख़त्म हो गया, ठीक है? और MCA में भी अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि BTech से भी ज़्यादा MCA का स्कोप है। BTech वाले स्टूडेंट से कभी पूछ लीजिएगा कि MCA की BTech, तो वो बोलेगा MCA। MCA से कभी पूछिएगा तो वो बोलेगा BTech, क्योंकि दोनों में ही स्कोप है। और दोनों में आप बोलेगा तो स्कोप भी नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्कोप MCA में भी है, BTech में भी है। BTech 4 साल का होता है, इसमें आपको हार्डवेयर के साथ साथ आप कंप्यूटर को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। लेकिन चूंकि आप ग्रेजुएशन कर ले होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो इसके साथ साथ आपको एक ऐसा कल्चर मिलता है IIT या फिर NIT में कि आप आराम से कम्बिनेशन करके आप BTech वाले जो कोर्स पढ़ते हैं वो भी आप कोर्स यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? वो आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़ते हैं। MCA कोर्स का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, MCA अभी मरा नहीं है, ठीक है? तो ये 1980 में आया था और आज आपका 45 साल हो गया, लेकिन आज भी ये कायम है। और MCA का वाकई में आज स्कोप है अगर आप NIT से करते हैं तो, क्योंकि NIT में कोर्स चेंज हो जाता है टाइम टू टाइम, 6 महीने पे जैसे ही उन लोगों को लगेगा वो लोग चेंज कर देता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो आपको इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना आप लोग मत छोड़िए, ठीक है? लाइक करते हैं तो जो चैनल का रिपूटेशन है वो रैंक होता है गूगल में, और ये चैनल की जो कंटेंट है वो बाकी सारे लोगों के पास भी पहुँचता है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।